हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप करता हूँ सब बढ़िया हो। थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सबको, बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरी लास्ट वीडियो को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे थर्ड वीडियो को आप लोग 100K व्यूज़ दोगे यार, मतलब बहुत खुशी हुई है मुझे। हाँ, कुछ लोगों ने डिसलाइक भी किया, पर कोई दिक्कत नहीं है यार, जहाँ पर लाइक होता है वहाँ पर डिसलाइक होता ही है। तो दोस्तों, सारी बातें साइड पर रखते हैं। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो सुतली वर्सेस लेज है। लेज अमेरिकन स्टाइल वाला जो लेज आता है, देखो ये मैंने लेज ले लिया और सुतली को मैंने टेप से उस पर टाई कर लिया है अच्छे से। तो अब सारी बातें करते हैं साइड पे और जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। ले इसके तो चीतरे उड़ गए। तो दोस्तों, ऐसे ही फनी एक्सपेरिमेंट की आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं ऐसे ही फनी एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आने वाली सभी वीडियो के लिए क्या करना है, क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया ना तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, और सब्सक्राइब करने के बावजूद भी हमारी वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। तो जल्दी से क्या कीजिए, सब्सक्राइब देन बेल आइकन। सायनारा, टेक केयर, गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप करता हूँ सब बढ़िया हो। दोस्तों, सुतली वाली जो सीरीज जो लास्ट वीडियो बनाई थी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप सब लोगों ने, आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच उसके लिए। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो बना रहा हूँ, सुतली विद मटकी। तो सुतली जो है मटकी के साथ, मैंने छोटी सी मटकी ली है, उस पर मैंने जो ब्लैक टेप होती है जो, उसके साथ उसको टाई कर दिया है। तो सारी बातें छोड़कर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है देखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। अलग अलग एंगल से मैंने शूट किया है, तीन एंगल से इसको शूट किया है और तीनों एंगल से मैंने आपको स्लो मोशन में दिखाया है कि एक्चुअल में जब वो साउंड होता है और साउंड होने के बाद कैसे उसके चीथड़े उड़ गए। ये देखो इसकी हालत देखो पूरा पूरा बिखर गया। और यहाँ से एक्चुअल में जो जहाँ से हमने टेपिंग किया था उसको, तो उसके बाद ही ये हाल है उसके। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया और ऐसे ही फनी एक्सपेरिमेंट और आगे आने वाले सभी वीडियोस होने वाले हैं। और ये जो सुतली सीरीज है इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे ना तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और अगर नोटिफिकेशन नहीं आए तो फिर हमारी वीडियो आप देखेंगे कैसे। तो दोस्तों सायनारा, टेक केयर, बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम एक एक्सपेरिमेंट वीडियो बना रहे हैं रेडबुल के साथ में सुतली। हाँ, जो आपने थंबनेल में देखा वही, बिल्कुल वही। देखिए ये है रेडबुल और साथ में हम इसके सुतली के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, देखते कैसा रिस्पांस आता है। और बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो कैसा लगा आपको बताना, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इतना खास हुआ है। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही वो एकदम से साउंड हुआ एकदम से, तो बहुत तेज वो नीचे गिर गई, जो कैन थी उसकी वो नीचे गिर गई और उसमें आधा जो है वो नीचे गिर गया और आधा जो बच गया वो हमने पी लिया है, वेस्ट नहीं हुआ है। ये वीडियो के लिए थोड़ा बहुत तो होना ही था, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना और कमेंट में ये सब मत कहना फूड की वेस्टिंग वगैरह ये सब फलाना फलाना। यार एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ तो होगा ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आगे आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोस में बहुत सारे बनाने वाला हूँ, ये तो जस्ट शुरुआत है। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सायनारा, टेक केयर।
सब बढ़िया हो। दोस्तों एक मैजिक ट्रिक है जस्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले सीखी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। हाँ, होगी कैसे इसकी सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं मैजिक ट्रिक आपको दिखाता हूँ। एकदम से ऐसे चुटकी हो जाते गायब हो जाऊंगा मैं। थोड़ा सेट कर दो। वन टू थ्री फोर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं पुनीत ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपना 20 किलो वजन कम किया। दोस्तों पहले मेरा वजन 95 किलो था, अभी मेरा वजन है 76 किलो। तो आइए शुरू करते हैं। वेट लूज करना या रिड्यूस करना एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिलेंगी। कोई आपको ऐसा डाइट प्लान बताएगा, कोई कुछ बताएगा कि वर्कआउट कर लो, कुछ अपने अपने टिप्स देते रहते हैं, पर लोग जिस तरीके से बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे ये बच्चों का काम है, मतलब बहुत ईजी है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, आप लोग जानते हैं कि वेट लूज करना कितना डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि वेट लूज करना के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है और किस तरीके से आप अपने शेड्यूल में वो चीजें ऐड कर आप वेट लूज कर सकते हो। दोस्तों वेट लूज प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंट वेट है वो सही है या नहीं। आपका वजन आपकी लंबाई के अनुसार होना चाहिए, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या डॉक्टर के किसी नियर बाय क्लिनिक में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे चार्ट लगा होता है, आप देख सकते हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए। तो जब आपको कन्फर्म हो जाए कि आपका वेट कितना होना चाहिए और आप अपना फिर वेट चेक कर लीजिए, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ही आप इस प्रोसेस में जाइएगा। दोस्तों अगर आप ओवरवेट हैं तो इस कंडीशन में पहुँचने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि हम जो खाना पीना खाते हैं, हम फ्राइड फूड खाते हैं, हम देसी घी, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब फास्ट फूड वगैरह सब कुछ घर का खाना भी खाते हैं, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा घी डालते हैं और फ्राइड खाना खाते हैं। पर और टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम जब खाना खाते हैं उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट करता है, वो है रात का लेट खाना। तो रात को जब हम खाना खाते हैं 11, 12, 12, 1, 1 बजे, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके खा लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉडी पर फैट जो इकट्ठा होता है पूरा रात के डिनर के वजह से होता है, क्योंकि पूरा दिन हमें टाइम मिल नहीं पाता ढंग से खाने का, तो हम रात को खाना खाते हैं। तो जब हम रात को खाना खाते हैं तो हम भर के खा लेते हैं इकट्ठा, पूरे दिन में जो हमसे मिस हो जाता है, लंच मिस हो गया तो चलो रात को भर के खा लिया, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात को भी थोड़ा खाना चाहिए हमें और टाइम से खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी उसको टाइम से कंज्यूम कर ले और टाइम से वो बॉडी से क्लियर हो। दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न हमारा इनएक्टिव होना। दोस्तों हमने अपने काम के ऐसे शेड्यूल बना लिए हैं, फुल डे हम वर्किंग होते हैं और चेयर पे हम बैठे रहते हैं, हमारा इनएक्टिव होना सबसे बड़ा रीज़न है। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने वर्किंग स्टाइल में ऐड कर लें तो उससे हमारी बॉडी एक्टिव भी होगी और धीरे 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 फैट लूज भी होगा। जैसे अगर आपका ऑफिस फोर्थ फ्लोर पे है या थर्ड फ्लोर पे है या सेकेंड फ्लोर पे है, तो आप लिफ्ट यूज़ ना करके आप स्टेयर्स यूज़ कीजिए। और आप किसी भी स्पोर्ट्स को अपनी जो आपको पसंद हो, लाइक टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, या कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स जो आपको सही लगे, आप उसको अपने डे रूटीन में ऐड करो। 10 मिनट 15 मिनट बहुत है, आप उसको अपने डे रूटीन में जैसे ही ऐड करोगे आप देखोगे आपके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी, पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि आप पेशेंस रखें। दोस्तों जो आपका वजन बढ़ा है वो कोई एक दो दिन या दो महीने की देन नहीं है, वो पिछले कुछ समय से चली आ रही आपकी डे रूटीन की वजह से है। दोस्तों हमें पेशेंस इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि एक दो हफ्ते या एक महीने में कई बार रिजल्ट नहीं दिखते हैं,
तो हम निराश हो जाते हैं। तो उस समय पे सबसे ज्यादा हमें हिम्मत, और दूसरा जो टिप है वो ये है कि आपको अपने एफर्ट्स में यकीन होना चाहिए। लाइक आप जिम जा रहे हैं और आप अपने दोस्तों से बात करते हैं और कहते हैं उन्हें कि यार जिम जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है और मैं वर्कआउट भी करता हूँ, ट्रेडमिल भी करता हूँ, कार्डियो वगैरह सब करता हूँ, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों पहली बात आपको पॉजिटिव बात करनी है और आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि रिजल्ट्स एक दो वीक में नहीं आएगा, एक दो वीक एक महीने में नहीं आएगा, आपको थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ता है। समटाइम क्या होता है, वेट एकदम से डाउन जाता है, तो उसके लिए आप पहली बात आपको पॉजिटिव रहना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि आप पॉजिटिव बात करोगे आपका जो माइंड है वो भी उसी तरीके से आपको रिजल्ट देगा। तो विजुलाइज करें, आप अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं वैसे विजुलाइज करें, यकीन मानिए आपको बहुत मदद करेगा। आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप या घर अपने रूम में आप वैसा पोस्टर लगा सकते हैं या वॉलपेपर लगा सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप और डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कि जैसे आप दिखना चाहते हैं, तो बार बार वो आपको मोटिवेट करेगा वैसे दिखने के लिए और वो आपको वेट लूज करने में बहुत मदद। टिप ये है कि आपको अपने डेली रूटीन में पानी की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा, जैसे लाइक आप 3 से 4 ग्लास पीते होंगे या 5 ग्लास पीते होंगे तो उसको आपको डबल करना है, 2 से 3 लीटर अगर आप पी सकें तो। अपनी तरफ से पूरी आपको एफर्ट डालना, स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होगा आपको पीने में, बट उसके बाद आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और आपकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी। फिफ्थ टिप ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रूट खाएं, जूस नहीं पीना है, ध्यान रखना है इस बात का कि जूस नहीं पीना है, फ्रूट खाना है। फ्रूट खाने से क्या होगा कि एक आप फ्रूट जब खाएंगे उससे आपको आपका पेट भी भर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आप कम खाना खाएंगे, तो फ्रूट खाना है। दोस्तों सिक्स्थ टिप ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चले, लाइक आपके आसपास का जो भी आप सामान लेने जाते हैं आसपास, आप पैदल जाएं, आप किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पे स्टेयर्स का यूज़ करें, लिफ्ट यूज़ ना करें, और आप अपने घर में हैं तो दिन में 2-3 चक्कर छत के लगा के आएँ, तो इससे क्या होगा ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं ना ये आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे। दोस्तों सेवन्थ टिप ये है कि डांस करें। देखो ये बहुत ही एंटरटेनिंग पोर्शन है हमारे वेट लूज का, इसमें क्या होगा आप एंटरटेन भी होंगे और आपको मज़ा भी आएगा और आपका वेट भी लूज होगा। तो जब भी आपको मौका मिले अच्छा म्यूजिक लगा के डांस करें, दोस्त की आज की पार्टी है, कोई फंक्शन है घर में, दिल खोल कर डांस करें। जितना डांस करेंगे उतनी कैलरीज बर्न होंगी, जितनी कैलरीज बर्न होंगी उतना वेट लूज होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमेशा खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी पिए, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास जितना पी सके, उससे क्या होगा कि आपका स्टमक थोड़ा सा भर जाएगा, तो जब आपका स्टमक थोड़ा सा भरा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आप कम खाएंगे, तो जितना कैलोरीज आप कम खाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है और उतना ही वो आपको मदद करेगा वेट लूज करने में। दोस्तों मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ वेट लूज करने में, मैंने परेशान होकर जब मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, करीब 96 किलो के आसपास हो गया था, तो मैं बहुत परेशान हो गया था, तब मैंने थोड़ा रिसर्च करी और थोड़ा मेहनत करी लग के और अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा और स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया मैंने अपना, तो उससे मुझे बहुत कुछ जो सीखने को मिला वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ट्रेनर हूँ, तो जस्ट मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करके हमारे डेली रूटीन में हम वेट लूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको टिप्स दिए और उनके पीछे की वजह बताई कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हम सबके साथ हो रही है, कि हमारा जो डेली रूटीन है जिस वजह से हमारा सबका वेट बढ़ रहा है, और उसको कैसे कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करके उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और हमारे वेट को वापस नॉर्मल जो हेल्दी कंडीशन में वापस लाया जा सकता है। तो मैं आपके साथ कुछ वीडियो और पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप देखना कि मैं पहले कैसे दिखता था और मैं अभी कैसा हूँ, और मेरे डेली रूटीन का कुछ पार्ट मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, अभी आप देखिएगा। दोस्तों आज से 5 महीने पहले जब मेरा वजन 96 किलो के आसपास हो गया था, तब की एक फनी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं।
दोस्तों अब 20 किलो वजन कम करने के बाद मैं कैसा दिखता हूँ उसकी मैं कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मेरे जिम रूटीन की, आप मुझे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं जिम में जाते ही अपना वेट चेक करता हूँ ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ मेरी बॉडी वेट को हेल्दी कंडीशन में लाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरा वेट 76.1 शो कर रहा है मशीन में। दोस्तों इसके बाद सबसे पहले मैं पुशअप करता हूँ। पुशअप में मेरी कोशिश रहती है 15 रैप्स के लिए, एटलीस्ट मैं 3 सेट मारता हूँ 15 रैप्स के। अब आप मुझे देख रहे हैं बाइसेप की एक्सरसाइज करते हुए। बाइसेप की एक्सरसाइज में भी 15 रैप्स के आसपास मेरी पूरी कोशिश रहती है और 3 सेट करता हूँ। अब मैं बैक की एक्सरसाइज कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी वही सेम 15 रैप्स की मेरी पूरी कोशिश रहती है और 3 सेट करता हूँ फ्रंट के और 3 सेट बैक के। अभी मैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ दोस्तों फ्लैट बेंच पे, इसमें भी दोस्तों 15 रैप्स एटलीस्ट और 3 सेट। ये मैं शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी मेरी कोशिश रहती है 10-15 रैप्स की, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसलिए इसमें 10-15 ही हो पाता है मुझसे। अभी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जितने ज़्यादा रैप निकाल सकूँ और 3 सेट। ये थाइस की एक्सरसाइज कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इसमें भी 10-15 रैप्स और 3 सेट करता हूँ मैं। तो होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो या आपके मन में कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप कमेंट कर देना, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा, डायरेक्टली आपसे मैं बात करूंगा। अब मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी मैं आपको इसमें दे दूंगा और इंस्टाग्राम का भी, आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप कमेंट करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपसे बात करूंगा और आपके जो भी सवाल हैं मैं उनका जवाब दूंगा। तो मैं इसका भी नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये सब चीजें मैंने कैसे अपने डे रूटीन में इम्प्लीमेंट करी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं पुनीत व्लॉग्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप एक हफ्ते के अंदर कैसे अपना 3-5 किलो वजन कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक हफ्ते में 3-5 किलो वेट लूज करने के लिए हमें दो चीजों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। पहला है हमारी डाइट और दूसरा है हमारी एक्सरसाइज। तो दोस्तों पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक्सरसाइज के बारे में कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह करनी है और उसके कितने रैप करने हैं हमें, आइए देखते हैं। दोस्तों जिम में जाते ही सबसे पहले आपको ट्रेडमिल पे रनिंग करना है 10-15 मिनट। अगर आप कंटिन्यूली रनिंग नहीं कर सकते हैं तो 5-5 मिनट के गैप में कर सकते हैं, और रनिंग करना है, वॉक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसका नाम है क्रॉस ट्रेनर। क्रॉस ट्रेनर आपको 10 मिनट करना है कॉन्टिन्यूली फुल स्पीड में विदाउट एनी ब्रेक। इसके बाद आपको साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग में पॉस्चर आप देख लीजिए, 10 मिनट फुल स्पीड में करना है जितना आप मैनेज कर सकें। इसके बाद आपको करना है फ्री स्क्वाट्स। फ्री स्क्वाट्स में आपको 150 रैप्स करने हैं। अब जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसका नाम है लेग राइज। इसके आपको 150 रैप्स करने हैं दोस्तों। पॉस्चर आप देख लीजिए, सेम पॉस्चर में आपको करना है। अब जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसका नाम है इंक्लाइन क्रंचेस। इसके आपको दोस्तों 150 रैप्स करने हैं।
पॉस्चर सेम होना चाहिए। ये बेंच क्रंचेस एक्सरसाइज है इसका नाम, इसके भी आपको 150 रैप्स करने हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों इंक्लाइन क्रंचेस विथ ट्विस्ट। इस एक्सरसाइज को आपको 150 रैप्स करने हैं। पॉस्चर आप देख लीजिए, पॉस्चर सेम होना चाहिए। दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक। इसमें हमारे को पूरा बॉडी वेट होल्ड करना होता है एक मिनट के लिए। इसके आप एक मिनट के 3 रैप कर सकते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम है पुल ओवर। इसके हमें 100 रैप्स करने हैं। पोस्चर आप देख लीजिए। दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम है बैक। इसके हमें 100 रैप्स करने हैं। पोस्चर आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब मैं आपको बताता हूं डाइट के बारे में कि हमें डाइट में क्या क्या खाना है इन 7 डेज में 3-5 केजी वेट लूज करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, जिन लोगों को बेड टी या बेड कॉफी लेने की आदत है वो लोग ग्रीन टी पी सकते हैं। और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में लेना है 2 एप्पल विथ 5 एग्स, 5 बॉइल्ड एग्स। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो एग के अंदर येलो पार्ट होता है बॉइल्ड एग में वो नहीं खाना है, आपको एग व्हाइट खाना है बस। बात करते हैं लंच की। लंच में आप वेज सैलेड ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो वेजिटेबल सैलेड खा लें और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन सैलेड खा सकते हैं। आप चिकन सैलेड बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड करते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप जाके लेके आ सकते हैं, आप घर में बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। ये आपको लंच में खाना है। तो अब बात करते हैं डिनर की। डिनर में हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमारा डिनर लेट नहीं होना चाहिए। 8 बजे तक हम खा ले खाना तो हमारे लिए और बेस्ट रहेगा और बेस्ट रिजल्ट देगा वो हमें। तो अब डिनर में हम क्या खा सकते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दाल खा सकते हैं, बॉइल्ड दाल, कोई भी बॉइल्ड दाल आप ले सकते हैं। और साथ में आप अगर कोई फ्रूट खाना चाहते हैं तो आप पपीता खा सकते हैं, वो आपको वेट लूज करने में बहुत हेल्प करेगा। और आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कोई सी भी जो आपको सूट करे। वेजिटेबल तो सब हेल्दी हैं, उसमें फैट नहीं होता है बिल्कुल भी आपके लिए। आप ग्रीन सैलेड भी खा सकते हैं। बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों की कि वो डिनर में क्या खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो, चिकन ब्रेस्ट को बॉइल कर आपको नमक और काली मिर्च उसमें यूज कर आप उसे खा सकते हो बहुत इजीली। सबसे बेस्ट रहता है, बेस्ट प्रोटीन सोर्स है वो आपके लिए। और उसके साथ में आप एग ले सकते हो, आप 5-10 बॉइल्ड एग विद एग वाइट ओनली, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये बात थी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की, क्या ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में क्या क्या खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके अलावा भी क्या हम कुछ पूरे दिन के अंदर खा सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल जरूर आप खा सकते हैं। आपको आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं विद फल पीजिएगा, वो बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। और साथ में आप पीनट्स खा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन 7 डेज में आपको क्या नहीं करना है और क्या नहीं खाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको रोटी नहीं खानी है, आपको चावल नहीं खाने हैं, आपको आलू नहीं खाना है, किसी भी तरह का ब्रेड नहीं खाना है, मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं खाना है, आपको कोई जंक फूड नहीं खाना है, पिज्जा, समोसा, ब्रेड पकौड़ा या एक्सेट्रा किसी भी टाइप का जंक फूड आपको नहीं खाना है और किसी भी टाइप का ब्रेड नहीं खाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको दूध पीने का मन है, वैसे तो आप ऑलरेडी ओवर फैट हैं, तो आपको अगर आप 7 डेज के लिए इग्नोर भी कर देंगे दूध पीना तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। बट फिर भी अगर आप पीना चाहते हैं तो आप डबल टोन दूध पी सकते हैं। दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी कमेंट कर सकते हैं और वहां भी मैं आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली के चोर बाजार, और वहाँ पर जो भी सामान मिलता है लाइक मोबाइल, आईफोन्स, एंड्रॉयड फोन्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह मिलती हैं चोरी की, तो आज मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं चोर बाजार पहुंच चुका हूं, और विद इन 5 मिनट में चोर बाजार में एंट्री करके मैं आपको एक्सप्लोर करके बताता हूं कि यहां पे आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ घर के लिए। मैंने बहुत कोशिश की कि ये लोग परमिशन दे दें शूट करने के लिए, बट इन लोगों ने परमिशन नहीं दी मुझे। और मैंने यहाँ पे जो SHO है उनसे भी बात करने की कोशिश करी, पर उन्होंने बात ही नहीं सुनी। कि भाई मैंने उनको समझाया भी कि ये एक नॉर्मल ब्लॉग है, इसमें मैं कुछ कई मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, सिर्फ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि भाई क्या प्राइस है प्रोडक्ट का, वो मैं उनको इनको देना चाहता हूँ। बट यहाँ के लोग तो सुनने को ही तैयार नहीं है। मैंने जितने भी शॉपकीपर्स हैं मैंने उनसे ट्राई किया, बट शॉपकीपर भी वो कह रहे हैं कि पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और जिस तरीके से मैं शूट कर सका जो थोड़ा बहुत वो मैं आपने देख लिया होगा अभी तक। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अभी मैं पार्किंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, और वहाँ पहुँच के फिर मैं निकलता हूँ, फिर घर पहुँच के मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए बाय। दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूं, जस्ट अभी घर पहुंचा हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर मेरी परमिशन नहीं मिल सकी मुझे, और मैंने बहुत ट्राई किया, बट कोई बात नहीं। मैंने एक आइडिया लगाया है दिमाग में कि नेक्स्ट टाइम मैं वहां पर जाके किस तरीके से शूट कर सकता हूं विदाउट गेटिंग देयर परमिशन। तो वो मेरे दिमाग में है आइडिया, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, पार्ट टू। तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आईफोन से लेके वन प्लस 3T 5T और जो भी लेटेस्ट फोन अवेलेबल हैं वहां पर। आईफोन्स तो बहुत सारे थे, मतलब आप वीडियो में देख सकते हैं जब मैं वहां से निकला था तो वहां निकलते हुए बहुत सारे शॉप्स की मैंने शूट कर लिया था वहां परमिशन लेने से पहले ही। बट मैं उस समय प्रॉपर तरीके से परमिशन लेना चाह रहा था, आई वॉन्ट टू शूट प्रॉपरली, मतलब मैं एक एक प्रोडक्ट हाथ में लेकर और आपको उसकी इन्फो देना चाह रहा था। और यहाँ तक कि मैंने उनको कहा कि अगर आप कोई चार्जेस वगैरह लेते हैं इस चीज के लिए कि भाई जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनको दिखा सकूं प्रोडक्ट की डिटेल एंड प्राइस वगैरह, मैं उनको कुछ दिखा सकूं, कल को जब उनको पसंद आएगा तो लेने तो आप ही के पास आएंगे ना। बट वो लोग नहीं माने, तो मैंने अभी ये सोचा है कि विदाउट गेटिंग देयर परमिशन मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं कैसे शूट कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा, तो उसमें आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगा कि ये इनका प्राइस क्या है, क्या क्वालिटी है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है या कैसे है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में एज सून एज पॉसिबल।
दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों होप करता हूँ आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा जो मैंने दिल्ली चोर बाजार पे बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा। दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब पर। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ की हिस्ट्री के बारे में और आप सब लोगों से उसे शेयर भी करना चाहता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब, चलिए चलते हैं। रास्ते पहुंच चुका हूं। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मैंने यहाँ शॉप से अभी जस्ट वाटर वाटर लिया और मैं पानी पी रहा हूँ। पानी के बस निकलता हूँ यहाँ से 10 मिनट में। दोस्तों मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंच चुका हूं। चलिए अंदर चलते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं ये जोड़ी घर है, यहां पर जूते और चप्पल की सेवा की जाती है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं वह अपने चप्पल जूते यहां पर जमा करवा सकते हैं। दोस्तों गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले सभी को अपने हाथ और पांव को धोना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं पहले मैं अपने हाथ धो रहा हूं, उसके बाद जल से अपने पैरों को साफ कर रहा हूं। ये सबके लिए अनिवार्य है। ये जो द्वार आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारे का मुख्य द्वार है गुरुद्वारे में प्रवेश करने के लिए। दोस्तों ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये प्रसाद घर है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ाने के लिए। दोस्तों यह वह स्थान है जहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हैं। यहाँ पर मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद सभी आते हैं दर्शनार्थी, माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों यह वह स्थान है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद साहिब जी को पाठ करने के बाद रखा जाता है।
आप देख सकते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखा जाता है। यहाँ पर 24 घंटे सातों दिन सेवक यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटे सातों दिन। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सरोवर है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। दोस्तों गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले सब यहाँ पर आते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं और उसके बाद दर्शन करने के लिए गुरुद्वारे में जाते हैं। दोस्तों आम दिनों पर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, पर वीकेंड्स पर या किसी दिन त्यौहार पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर बहुत ही संगत रहती है। आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल डे है, उसके बावजूद यहाँ पर बहुत संगत है अभी भी। ये सरोवर का दृश्य देख सकते हैं आप, जो भी लोग यहाँ आते हैं सरोवर की परिक्रमा जरूर करते हैं। दोस्तों ये कुछ नियम है जिनका आपको ध्यान रखना होता है। दोस्तों ये वह स्थान है जहाँ से आप जल ले सकते हैं, इस जल की बहुत मान्यता है, कहते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियां ये जल को पीने के बाद ठीक हो जाती है, ये यहाँ की मान्यता है। दोस्तों यह जो लाइन लगी हुई है ये प्रसाद के लिए है, माथा टेकने के बाद जैसे सब दर्शनार्थी बाहर निकलते हैं तो प्रसाद लेते हुए निकलते हैं। दोस्तों यह स्थान गुरुद्वारे में लंगर घर है, यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए लंगर सेवा रहती है पूरे दिन। दोस्तों यह गुरुद्वारे बंगला साहिब जी का इतिहास है। यह पवित्र स्थान 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरि कृष्ण साहिब जी महाराज जी से संबंधित है। 1721 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह ने जब बाबा जी को दिल्ली बुलाना चाहा था तो अरबपति अंबरपति मिर्जा राजा जयसिंह और दिल्ली की संगत की ओर से बाबा जी दर्शन देने के निवेदन पर दिल्ली आए थे। यह स्थान मिर्जा राजा सिंह का बंगला था। रानी जी ने अपने आत्मिक बल की परीक्षा लेने के लिए दासी का वेश बना लिया था बाबा जी की परीक्षा लेने के लिए, और वो दासियों में जाकर बैठ गई थी। गुरुजी ने शीघ्र ही उन्हें पहचान लिया और उनकी गोद में जाकर बैठ गए। उस समय गुरुजी की आयु 8 वर्ष की थी। उन दिनों शहर में हेजा और चेचक की महामारी फैली हुई थी। दिल्ली में अनेकों व्यक्ति प्रतिदिन मृत्यु का शिकार हो रहे थे। जब दिल्ली निवासियों ने गुरुजी से अपना दुख पेश किया तो उन्होंने नाम स्मरण करी और कृपा दृष्टि करके एक चौबच्चे के जल में अपना चरण डालकर उसे आरोग्यदायक बना दिया। जो भी इस चौबच्चे के जल को पीता था वह रोग मुक्त हो जाता था। इस प्रकार सारे दिल्ली बीमारी से मुक्त होकर सुखी रहने लगी। आज भी संगत जिसमें बड़ी संख्या में गैर सिख
हिंदू मुस्लिम सभी शामिल होते हैं और दूर दूर से आकर इस चौबच्चे का जल ग्रहण कर तन और मन की आरोग्यता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कैसे तैसे इतनी गर्मी में मैं घर तो पहुंच गया हूँ, बट बहुत बुरी हालत हो गई गर्मी की वजह से और बैंड बज गई। अच्छा दोस्तों, आपने कंप्लीट वीडियो तो देख लिया होगा तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस तरह की बढ़िया अच्छे कंटेंट वाली वीडियो में रेगुलरली लाता रहूंगा। कैसे हो आप सब? दोस्तों, होप करता हूँ आप सब बढ़िया हो। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट को एक्सप्लोर करने और मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली कि इंडिया गेट को बनाने के पीछे का कारण क्या है और उसकी हिस्ट्री के बारे में। वैसे थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया है, बट फिर भी मैं वहाँ जाकर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर भी करूँ। चलिए चलते हैं। यमुना रिवर को क्रॉस कर रहा था तभी मुझे यहाँ पे कुछ दिखा जो मेरे बहुत काम का है, आपको भी दिखाता हूँ। चलिए देखिए, फ्रेश फ्रूट्स। दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है फ्रूट्स, तो अभी मैं इसमें से ये लेने वाला हूँ। भाई का नाम क्या? इसका नाम क्या? आलू। क्या रेट है भाई ये? 100 रुपए किलो। दोस्तों, 100 रुपए किलो है तो मेरे लिए आई थिंक 250 ग्राम ही बहुत रहेगा। मैं 250 ग्राम लेता हूँ अभी। दोस्तों, मैं इनको एंजॉय करता हूँ, तब तक आप यमुना रिवर को एंजॉय कीजिए। मैं इंडिया गेट पहुंच गया हूं। लगभग दोपहर के 2 बजे हैं और यहां पर पार्किंग में मैंने बाइक लगा दी है। पार्किंग वाले ने 20 रुपीज चार्ज किया। पता नहीं यहां पे क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अभी आप जब देख रहे होंगे आते हुए ग्रीन कलर की होर्डिंग्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी और यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से सब बंद किया हुआ है एंट्री। और जो पहले ओरिजिनल पार्किंग थी वो बंद है और अभी जिस पार्किंग में मैंने लगाई वो बहुत मुश्किल से मिली मेरे को ढूंढने के बाद। और अभी मैं इंडिया गेट पहुंच गया हूँ, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस प्लेस को।
एंट्री करते ही सबसे पहले मुझे ये वाटरफॉल दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी है, ठंडे ठंडे पानी की वजह से थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और आप सामने देख सकते हैं इंडिया गेट, अभी आगे से जाके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक छोटा सा पूल है जहाँ पर बच्चे नहा भी रहे हैं, वहाँ कोने पे आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पे आके दोपहर में सो रहे हैं। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, जैसे ये मेरे पीछे पड़े हैं फोटो खिंचवाने के लिए। भाई नहीं खिंचवानी फोटो यार, मेरे पास कैमरा है, मैं उससे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पर कपल्स भी बहुत आ रहे हैं, और यहाँ पे गोलगप्पे वाले आपको बहुत मिलेंगे, और ये लड्डू वाले, भेलपूरी वाले भी हैं। और यहाँ पर जो इंडिया से बाहर से लोग आते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे आपको, वो एक्सप्लोर करने आते हैं इस प्लेस को। आई थिंक इनके साथ गाइड भी है जो इनको पूरा हिस्ट्री के बारे में बता रहा होगा। तो चलिए आपको इंडिया गेट दिखाते हैं बिल्कुल सामने से। अंदर चलते हैं, क्लोज से दिखाता हूँ, क्लोज शॉट। जहाँ पर नहीं भैया जो जलती है, और ये फुल्डे जलती रहती है, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको वो एक। और बहुत ही अच्छे प्लांट लगाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये एक आई थिंक नेवी के जवान हैं, नेवी के जवान, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यूनिफॉर्म में। सुंदर प्लांट है, इंडिया गेट के जस्ट नीचे लगाए हुए हैं, और ये पानी दे रहे हैं इनको। यहीं से ये सीधी रोड जो है जाती है इंडिया गेट की तरफ, राष्ट्रपति भवन की तरफ, आप देख सकते हैं वो। हाँ हमने वो दिख रहा होगा आपको, गोल गोल सा जिसका हेड है, गोल सा, अभी जो वहाँ से निकला भी था, अगर आपको अपना ध्यान दिया हो तो राष्ट्रपति भवन। अब इंडिया गेट को मैं दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ आपको, दूसरी तरफ से देखिए, बहुत सुंदर इंडिया गेट। लोग यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। इस तरफ भी नीचे की तरफ है पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे। दोस्तों एक्चुअली बहुत ही गर्मी है तो डिहाइड्रेटेड सा फील कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये नींबू पाने वाले भैया हैं। भैया कितने का नींबू पानी? भैया 15 रुपए का। तो दोस्तों 15 रुपए का है नींबू पानी का ग्लास, अगर आप भी पीना चाहते हैं यहाँ से पी सकते हैं। भाई एक बना देना। तो
यहाँ पर बहुत लोग घूमने आते हैं और बहुत लोग यहाँ आकर फोटो खिंचवाते हैं, और उनमें से मैं भी एक था। पहले मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पर, और फोटो खिंचवा के और पिकनिक स्पॉट की तरह हम इसको एंजॉय करके चले गए। बट इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे भी मालूम नहीं था, और यहाँ के 90% लोगों को मालूम नहीं है जो यहाँ घूमने आए हैं। दोस्तों बहुत पूछताछ करने के बाद यहाँ के सैनिकों से तो थोड़ा बहुत मुझे पता चला है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, उस समय जब फर्स्ट वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो हमारे देश के 82,000 जो सैनिक थे उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती कर भेजा गया था लड़ने के लिए। दोस्तों वो जो 82,000 सैनिक थे वो शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में ये बनाया गया था। इसको अमर जवान ज्योति भी कहा जाता है। और यहाँ इंडिया गेट पर इतने सालों से मैं घूमने आ रहा था और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इतना ज़रूर पता था कि ये सैनिकों जो सैनिक लड़ाई जो युद्ध हुए थे हमारे इंडियन की वॉर हुई थी, मुझे ऐसा लगता था जो इंडियन वॉर हुई थी उसके अंदर जो सैनिक मारे गए थे ये शायद उनकी याद में बनाया गया। पर दोस्तों जब मुझे आज पता चला ये उनकी याद में नहीं है, ये जो सैनिक 82,000 मतलब 82,000 सैनिक मारे गए थे फर्स्ट वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक मारे गए थे ये उनकी याद में बनाया गया था। उस समय प्रचलन चल रहा था, एक्चुअली बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा प्रचलन चल रहा था उस समय, तो उस समय जो ब्रिटिश थे ये उन्होंने बनवाया था। हमारे जो 82,000 सैनिक मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी याद में। तो दोस्तों ये है यहाँ की हिस्ट्री। मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए जो आपके काम आ सकते हैं। मैं घर पहुँच के उन पर आपसे बात करता हूँ। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, और जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे इंस्ट्रक्शन वो ये थे। पहला है कि आप अगर अपनी कार या बाइक से जा रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वहां पर प्रॉपर पार्किंग में लगाइएगा उसको। अगर पार्किंग ना मिले तो गाड़ी को कहीं भी ऐसे ओपन में मत छोड़िएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है, और जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो 2 मिनट में आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, और फिर आपको चालान भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको गाड़ी मिलेगी, और उसमें बहुत ही टाइम खराब होता है वहाँ पे।
एक्चुअली मेरा हुआ नहीं है बट मुझे इसका आइडिया है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे जाते हो पहले इंस्ट्रक्शन तो ये है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कोई तो प्रॉपर सीट वगैरह ले जाइएगा बैठने के लिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पार्क है। अगर बच्चे वगैरह आपके साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर आप बैठ के आराम से आप उस मोमेंट को, और जो खासकर आप रात में जाइए सबसे बेस्ट रहेगा वो मोमेंट, क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, आप डिहाइड्रेटेड होते रहेंगे और आपको कोई जगह भी नहीं मिलेगी बैठने के लिए छाया वाली। तो रात के टाइम या शाम के टाइम जाइए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, और वहाँ पर आप बैठेंगे, वहाँ पर जो वाटरफॉल है जो चल रहा है वहाँ पर फाउंटेन वगैरह, तो उसको भी आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और वहाँ पर एक पिकनिक वाला एटमॉस्फेयर है क्योंकि वहाँ पर खाने पीने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, और आपको जैसे भेलपूरी पे ये सब आपको वहाँ पर खाने पीने का बहुत कुछ मिलेगा। और एक बात और है कि वहाँ पर ये सब बहुत कॉस्टली है, क्योंकि नॉर्मल जो अगर जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल दूँ कि नॉर्मल मार्केट में आप जाते हैं और वहाँ पर कभी आप भेलपूरी वगैरह खाते हैं तो 20 रुपीज़ का मिल जाता है, वहाँ पर 80 रुपीज़ का है, तो वहाँ प्राइस बहुत हाई है। अगर वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप कंफर्टेबल है वो बाय करने के लिए या नहीं करने के लिए, वो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ फूड और वाटर बहुत महंगा है नॉर्मल मार्केट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।